एक ही एनिमेटेड इमेज पावरपॉइंट में बनाओ और उसे किसी भी स्लाइड में ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके ले सकते हो। उसके लिए फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके कलर एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एनिमेटेड इमेज ऑटोमेटिकली आपने कौन सा भी कलर का बैकग्राउंड लिया हो, कौन से भी डिज़ाइन का बैकग्राउंड स्लाइड लिया हो, ऑटोमेटिकली ये एनिमेटेड बैकग्राउंड इमेज उस स्लाइड के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है छायाबी से। मेरे डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन है। एक ब्लैंक स्लाइड पहले से मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके रखी हुई है और ये जो स्लाइड है इसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इंसर्ट में जाऊंगी और एक ओवल शेप इंसर्ट करके ले रही हूँ। अभी ये ओवल शेप है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट शेप के अंदर जाएंगे और इसकी साइज मुझे छोटी करनी है। तो यहाँ पे साइज एंड प्रॉपर्टीज में जाके साइज में जाऊंगी और यहाँ से मैं साइज इसकी एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मुझे इसकी साइज चाहिए 0.14। यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो एक्टिव करेंगे और यहाँ से साइज में इसके एडजस्ट कर लेती हूँ। 0.14 में यहाँ पे डाल रही हूँ और एंटर कर देंगे। और इसके आउटलाइन मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन ऑप्शन फिल एंड लाइन में जाएंगे और लाइन ऑप्शन में जाके नो लाइन पर क्लिक करके मैं इसके आउटलाइन निकाल रही हूँ। अभी मैं स्लाइड की साइज जरा बढ़ा लेती हूँ यहाँ से। अभी ये जो ओवल शेप है इसके अंदर मुझे कलर फिल करना है, तो वापिस फिल ऑप्शन में जाके यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में जाएंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। तो ये ग्रेडियंट टॉप यहाँ से मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिया। ये देखिए 3 ग्रेडियंट टॉप्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जो फर्स्ट वन ग्रेडियंट टॉप है तो इसे मुझे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखना है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन में जाके इसे 100% हम ट्रांसपेरेंट रख देंगे। ये जो मिडल वन ग्रेडियंट टॉप है इसे इस तरह से मैं शिफ्ट कर लेती हूँ यहाँ तक और इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसका कलर रख रही हूँ ये वाला डार्कर 5%। वाइट बैकग्राउंड का जो शेड है ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और ये जो लास्ट वन ग्रेडियंट टॉप है तो इसके ऊपर क्लिक करके वापस हम कलर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ये जो वाइट बैकग्राउंड ये फर्स्ट वन कलर ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट सेट कर दिया और यहाँ पे ये जो फर्स्ट ग्रेडियंट टॉप है इसे थोड़ा शिफ्ट करके मैं यहाँ तक इस तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अभी इसको हमें एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और एनिमेशंस में जाएंगे, यहाँ पे ऐड एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे मोर मोशन पाथ में जाएंगे और यहाँ पे आर्क डाउन करके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हम एनिमेशन की सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको इस तरह से। अभी हम एनिमेशन पैन एक्टिव कर लेते हैं और ये जो छोटा एरो इसके ऊपर क्लिक करके टाइमिंग में जाएंगे और यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा स्टार्ट विथ प्रीवियस, इसका ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स मीडियम ही रखना है, डिले 0.0 आएगा और रिपीट अंटिल एंड ऑफ स्लाइड आएगा। और इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो रिवर्स का ऑप्शन एक्टिव कर देते हैं। स्मूथ स्टार्ट स्मूथ एंड हमें 1 सेकेंड का ही रखना है और ओके पर क्लिक कर देंगे। और एक एनिमेशन इफेक्ट इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, तो ऐड एनिमेशन में जाएंगे और दूसरा एनिमेशन इफेक्ट में इसके ऊपर ग्रो एंड श्रिंक डाल रही हूँ। और वापस यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। टाइमिंग में जाएंगे और यहाँ पे आएगा स्टार्ट विथ प्रीवियस, ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स मीडियम, रिपीट अंटिल एंड ऑफ स्लाइड रखना है। इफेक्ट में जाएंगे और साइज इसकी 150% ही रखनी है। स्मूथ स्टार्ट स्मूथ एंड यहाँ पे 0.6 रखना है दोनों जगह पे। और ऑटो रिवर्स का ऑप्शन एक्टिव रखेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो अभी मैं वापस इसे सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको कंट्रोल डी कर लेंगे और इसे शिफ्ट करके ये साइड में ले जाती हूँ मैं। और ये जो एनिमेशन हमने अप्लाई किया था तो इसे मुझे उल्टा रिवर्स करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ और ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे ये वाले पॉइंट पर क्लिक करके इसे इस तरह से हम उल्टा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अभी ये सेकंड हमारा ओवल शेप भी रेडी हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, तो वापस इन दोनों को सिलेक्ट करना है और वापस कंट्रोल डी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट बनाना है। और अभी ये जो ओवल शेप है इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हमें ग्रो एंड श्रिंक इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे टाइमिंग में जाके थोड़ा चेंज करना है। तो इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे 150% हमने रखा हुआ है, तो कि यहाँ पे मैं 25% रख रही हूँ और एंटर कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे चेंज चाहिए, तो मैं वापस इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे ये ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और टाइमिंग में जाएंगे और यहाँ से वापस इफेक्ट्स में जाके मैं यहाँ पे 25 रख रही हूँ और एंटर पर क्लिक कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगी और डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक कर दूँगी। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, तो ये जो ओवल शेप्स हैं ये डिलीट कर रही हूँ, ये बाकी, और एक ही ओवल शेप यहाँ पे रख रही हूँ और इसको एडजस्ट करते जाऊँगी। ठीक है, अभी एक मैंने यहाँ पे रख दिया, तो स्लाइड की साइज़ वापस मैं छोटी कर लेती हूँ। देखिए एक ओवल शेप मैंने यहाँ पे रख दिया, अभी कंट्रोल डी प्रेस करूँगी और दूसरा मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। इसका जो डिले है चेंज करते जाना है, तो अभी यहाँ पे 0.0 डिले है, तो मैं यहाँ पे 0.25 रख रही हूँ। वापस मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगी, वापस इसे स्लाइड पर एडजस्ट कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ इसको, इसका जो डिले है चेंज कर रही हूँ, कंट्रोल डी। तो इस तरह से मैं इसे एडजस्ट करते जाती हूँ, तो फटाफट मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। वापस मैं स्लाइड नंबर फर्स्ट पे जा रही हूँ और यहाँ पे ये वाला ओवल शेप है इसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसे कॉपी कर लेंगे, सेकेंड स्लाइड पर जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी एडजस्ट करते जाएंगे। तो मैं फटाफट इसे भी एडजस्ट कर लेती हूँ। सेम इसका भी डिले हमें चेंज करते जाना है। अभी मैंने जैसे दिखाया था आपको 0.25, 0.50, 0.75 इस तरह से डिले में इंक्रीज करते जाने वाली हूँ और ये शेप को एडजस्ट करते जाने वाली हूँ। तो फटाफट से मैं इसे भी एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये शेप भी एडजस्ट कर लिया। तो अभी वापस स्लाइड नंबर फर्स्ट पे जाएंगे और बाकी ये दो शेप्स है इनको भी मैं फटाफट से एडजस्ट कर लेती हूँ। इसी तरह से सेम प्रोसीजर से जाना है। तो देखिए इस तरह से ये पूरी सेटिंग हो चुकी है। तो अभी हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं इसका। तो हम स्लाइड शो करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं स्लाइड शो पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो एनिमेटेड इमेज हमने बनाई है ये किसी भी बैकग्राउंड पर आप यूज़ करके ले सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू कलर का हमने डाला हुआ है, ग्रेडियंट ब्लू कलर का है। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है ग्रेडियंट में तो आप चेंज करके लीजिए। तो उसी ग्रेडियंट पर ऑटोमेटिकली ये जो एनिमेटेड इमेज हमने बनाई है ये एडजस्ट हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक बार। यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट स्लाइड ले लेती हूँ। तो अभी इसका ग्रेडियंट हमने ब्लू कलर का डाला हुआ है, तो इसका ग्रेडियंट अभी मैं चेंज करके आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रही हूँ और फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट फील्ड में ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड एडजस्ट कर लिया। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसके ऊपर हम हमें किस तरह से दिखेगा अभी जो हमने एनिमेटेड इमेज बनाया है। देखिए यहाँ पे भी ये प्रॉपरली मैच हो रहा है। तो इस तरह से हम अपना खूबसूरत सा एनिमेटेड बैकग्राउंड स्लाइड बना सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ये जो हमने इमेज बनाई थी इसके अंदर डाली हुई है। तो इसकी वजह से किसी भी बैकग्राउंड कलर में ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए ये हमने ये जो बैकग्राउंड कलर लिया है इसके ऊपर भी ये प्रॉपरली एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह से खूबसूरत सा हम एनिमेटेड बैकग्राउंड स्लाइड पावर पॉइंट में आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।